मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका। हमें 3 चैप्टर किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन एंड प्रैक्टिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आज से हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसने भी नोट्स नहीं बनाए तो वो अब बना लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उनको लर्न भी कर। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा फर्स्ट चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? क्या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब? स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्जेस के बारे में पढ़ना। होते हैं टू टाइप के, होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तुम्हें पता ही है चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो पढ़ेंगे वो भी दो हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक कौन सा है, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो कौन से? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? 9th में पढ़ा स्टैटिक का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे होता है रेस्ट पे। तो स्टैटिक का मतलब इसमें कहाँ पे है? रेस्ट पे, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। स्टैटिक का मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। समझ आया? तो स्टैटिक एट रेस्ट, करंट जो भी क्या कर रहा है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया स्केल। कौन सा स्केल लिया? जो प्लास्टिक का स्केल तुम यूज करते हो, ठीक है। हमने किसका एग्जांपल लिया? प्लास्टिक का स्केल का एग्जांपल लिया, उसको अपने हेयर में रब किया। रब कैसा है प्लास्टिक का स्केल? इंसुलेटर, यानी कंडक्ट नहीं करता करंट को। तो क्या करंट को कंडक्ट नहीं करता तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने प्लास्टिक का स्केल लिया यानी इंसुलेटर, उसको अपने हेयर में क्या किया? रब किया। उसको अपने हेयर में रब करने के बाद फिर हमने कुछ पेपर के टुकड़े लिए, पीस लिए, और उस पेपर के पीस को हमने क्या लिया? फिर कुछ पेपर के पीस लिए, फिर उस स्केल को पेपर के पीस के पास जब हम लेके गए तो उसने उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया उसने? उसको अट्रैक्ट कर लिया। देखो हमने कोई स्केल लिया, अब मान लो इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या किया? एक्वायर। कौन सा चार्ज एक्वायर किया इसने? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। मतलब ये चार्ज को रोक के बैठा है, इसको आगे नहीं जाने दे, ठीक है, आगे नहीं जाने दे रहा। ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से मैंने पेपर का पीस लिया, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। अब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव के साथ क्या कर लेगा? अट्रैक्शन कर लेगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या किया? अट्रैक्शन। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो किसके कारण हुआ है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो ये इसका फिनोमिना, सारा जो बिहेवियर आता है वो इसके अंदर आता है। समझ आया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट किसका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या करता है? करंट फ्लो होता है, मूवमेंट होती है चार्जेस की। तो इसका एग्जांपल तो हमने लिया एक कंडक्टर। क्या लिया मैंने इसके अंदर? एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर क्या करता है? करंट को अलो करता है, फ्लो होता है इसके अंदर से। करंट इसके अंदर से क्या हो रहा है? फ्लो। तो चार्जेस की मोमेंटम भी होती है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी होती है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल हो गया, एलॉय। समझ आया? तो समझ आ गया क्या टॉपिक था अपना? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस, जहाँ पे हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। चार्जेस भी जो इलेक्ट्रिसिटी है भी दो टाइप, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम जो ऑब्जेक्ट जो भी हम लेंगे वो रेस्ट पे होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके अंदर चार्जेस क्या कर होते हैं? मूव कर होते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लिया हमने स्केल का, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में हमने जो मेटल लिया एलॉय, ठीक है। ये थे तुम्हारे इसका इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर क्यू से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल में हो सकती है। चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल के अंदर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये किसी पार्टिकल पे हो सकता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज के दो टाइप कौन कौन से, टू टाइप चार्ज के, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ आया प्रॉपर चार्ज की डेफिनेशन। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। और इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होती है चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ